क्या आप जानवरों के बारे में जानने का कुतूहल रखते हैं? ऑफ कोर्स, हर किसी को जानवरों के प्रति कुतूहल तो होता ही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जानवरों के कुछ बेहद चौंकाने वाले बर्ताव और उनके पीछे के कुछ राज। लेट्स बिगिन। नंबर 5, पैंडा। दुनिया में कई ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें हमेशा के लिए कुदरत के भरोसे छोड़ देते हैं। इन बच्चों के लिए कुदरत ने कुछ ऐसी व्यवस्था की होती है कि छोड़े जाने के बाद भी ये जिंदा रह सकें। लेकिन पैंडा के बारे में ऐसा नहीं होता। माँ पैंडा जब एक साथ दो बच्चों को जन्म देती है तो वो छोटे और कमजोर बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देती है, क्योंकि माँ पैंडा शारीरिक तौर पर काबिल नहीं होती कि वो दो या दो से ज्यादा बच्चों को पाल सके। दो बच्चों को पाल सके इतना दूध भी उसके शरीर में तैयार नहीं होता। इस वजह से दूसरा बच्चा भूख प्यास की वजह से मर जाता है। जू एक्सपर्ट्स दोनों पैंडा बच्चों को जिंदा रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें आपस में बदल देते हैं। इस वजह से दोनों बच्चों को खाना और माँ का प्यार मिल जाता है और इस तरह से ये दोनों बच्चे जिंदा बच पाते हैं। नंबर 4, वल्चर। अगर आप भी औरों के जैसे यही सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही है जो मेकअप करता है तो आप गलत सोचते हो। आप सोचते होंगे कि बाकी प्राणियों की खूबसूरती का ख्याल पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर करता है, लेकिन ये सोचना गलत होगा। वैज्ञानिकों की माने तो वल्चर यानी कि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मेकअप का इस्तेमाल करता है। कई गिद्ध जो पहले सफेद रंग के हुआ करते थे उन्हें भूरे रंग में देखा गया। इन पर की गई स्टडी के बाद पता चला कि ये गिद्ध कीचड़ का पेंट अपने शरीर पर लगाते हैं। अपनी चोंच से गिद्ध अपने पंखों को रंग देते हैं, लेकिन ये किसी शिकारी से बचने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये था खूबसूरत दिखने के लिए। जैसे कि इंसान ताकतवर दिखने के लिए बॉडी बनाते हैं, वैसे ही ये रंग गिद्धों के शक्ति का प्रमाण बन जाता है। रंगे हुए गिद्धों को बाकी गिद्धों से ज्यादा सम्मान मिलता है और इन्हें हर किसी कार्य में प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 3, बैट। बैट एक ऐसा जानवर है जिसे छूना तो दूर, हम देखना भी पसंद नहीं करते। अगर गलती से कभी छू भी लिया तो आपके लिए ये सबसे बुरा एहसास होगा। वैम्पायर बैट्स, ये बैट्स की ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ जानवरों के खून पे जिंदा रहती है। ये बैट्स 2 दिन से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएंगे। इसीलिए अगर किसी बैट को मनचाहा शिकार नहीं मिला और वो भूखा है तो दूसरा बैट अपने मुंह से भूखे बैट को खून ट्रांसफर करेगा ताकि ये जिंदा रह सके। बैट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो याद रखता है कि मुसीबत के समय में किसने मुझे खून दिया है। ये कुछ इस तरह होता है कि जैसे तुम मुझे खून दोगे तभी मैं तुम्हें खून दूंगा। खैर, खून को आपस में शेयर करने का वाक्य बस मादा बैट में ही होता है। नर इससे कोसों दूर होते हैं, यही वजह है जो नर को शिकार ढूंढना जरूरी हो जाता है। नंबर 2, पेंगुइन। अलग अलग जानवर अपने साथी को पाने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। मादा को खुश करने के लिए कुछ जानवर नाच करते हैं, कुछ फाइट करते हैं और कुछ तो डेटिंग वेबसाइट्स पे समय बिताते हैं। पेंगुइन्स इस जानवर का तरीका भी कुछ ऐसा ही अलग होता है। पेंगुइन्स काफी क्यूट माने जाते हैं, लेकिन ये जानवर अपने तैयार किए हुए घोंसले की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते भी हैं। ये घोंसला बनाया जाता है पत्थरों से, इसीलिए पेंगुइन्स एक दूसरे की जमा किए हुए पत्थर चुराते हैं। इसी वजह से इनमें झगड़ा भी होता है। अच्छे पत्थर की जरूरत होती है अच्छा घोंसला बनाने के लिए। मादा पेंगुइन्स जो कि घोंसला बनाने का काम करती है उसे इम्प्रेस करने के लिए नर पेंगुइन अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढ ले आता है। अगर ये पत्थर घोंसला बनाने के लिए सही रहे तो ये मादा इस नर को अपना साथी चुन लेती है। इस तरह से ये एक दूसरे के हो जाते हैं। नंबर 1, काओ। आपको तो पता ही होगा कि गाय शाकाहारी होती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गाय मांसाहारी बन जाए? जी हाँ, ये हो सकता है। अगर गाय को उन्हें मिल रहे खाने से सही न्यूट्रिशंस, मिनरल्स और प्रोटीन नहीं मिल रहा तो ये मांसाहारी बन सकती है। हमारे भारत देश में एक पोल्ट्री मालिक को पता चला कि उसके पोल्ट्री में से कुछ मुर्गियाँ गायब हो रही हैं। जब उसने जांच की तो पता चला कि उसकी ही गाय मुर्गियाँ और उसके बच्चे खा रही थी। शरीर में हुई न्यूट्रिशन के कमी के कारण ये गाय ऐसा कर रही थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।